बल बचाओ किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधि ने हिमाचल किसान सभा इकाई मंडी के अध्यक्ष परशुराम की अगुवाई में डीसी मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। वहीं हिमाचल किसान सभा इकाई मंडी के अध्यक्ष ने सरकार से पूछा है कि बल में प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए कितने जमीन का चयन किया है और किसानों को आखिर कितना मुआवजा दिया जाएगा। आज बल बचाओ किसान संघर्ष समिति के बैनर तले एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधीश महोदय से मिलने आया है। उनके माध्यम से आज मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन भेजेंगे। हम 2018 से लगातार बल में जो प्रस्तावित हवाई अड्डा है उसका विरोध कर रहे हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि इसको दूसरी जगह बनाया जाए। ये बल की उपजाऊ भूमि जो है इसको इसका विनाश ना किया जाए, परंतु ये खेद की बात है कि 2 साल से लगभग पत्राचार के बावजूद भी कोई जवाब किसी भी कार्यालय से हमें नहीं आया। यहाँ तक कि हमने समय मांगा था मुख्यमंत्री से मिलने का, वो समय भी हमें नहीं मिला। आज हम ये जानने आए हैं कि ये जो प्रस्तावित हवाई अड्डा है इसमें कितने किसानों की जमीन जाएगी वो जानकारी हमें नहीं है, वो जानकारी हम लेने आए हैं और कितनी जमीन जाएगी। अभी 3 खंडों का जो तटीयकरण करना है उनको उनकी जगह से दूसरी जगह पर हटाना होगा। लोहारी खड्ड है, कंसा खड्ड है और सुकेती खड्ड है। जब इनको दूसरी जगह ले जाएंगे तो वहाँ भी जमीन का अधिग्रहण करना पड़ेगा। तो ये जो हवाई अड्डे के लिए जमीन होगी उससे अतिरिक्त जमीन इनको चाहिए, तो वो कितनी जमीन चाहिए और कितने किसानों की जमीन चाहिए वो भी हम जानने आए हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कितने पेड़ जाएंगे, जो किसान हैं उनके पास कितनी मशीनरी है, कितने पशु हैं, वो सारी की सारी जानकारी जो है आज हम जानना चाहते हैं किसी महोदय से। इसके साथ साथ जो रेट अभी सर्कल रेट जो डाले गए हैं वो बहुत कम है। हो सकता है मुआवजे के क्षेत्र में कोई और रेट देने, तो हम वो रेट भी जानने आए हैं कि क्या मुआवजा जो है किसानों को मिलेगा। और ये जो हालात आज बन चुके हैं कि ये एक तरफा सरकार आगे बढ़ रही है हवाई अड्डा बनाने के चक्कर में, किसानों को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। और आने वाले समय में किसानों के पास और कोई विकल्प नहीं बच जाएगा, इसके की ओर संघर्ष करें। अगर सरकार संघर्ष और टकराव की राजनीति किसानों के साथ करना चाहती है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। हम ये मांग राज भी करने आए हैं, दोहराने आए हैं कि आप इसको किसी दूसरी जगह बनाए, इस पर कभी।